फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग थैंक यू टू सक्षम गुप्ता मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, गिविंग यू प्लेटफॉर्म टू शेयर माय स्टोरी, शेयर माय जर्नी एंड कन्वे अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू फॉर दैट. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज गो फॉलो टेल्स बाय सक्षम. He's an amazing guy doing amazing work with an amazing YouTube channel. Please go follow him and like this video, of course. As I mentioned, my name is Gunur Suri. I'm currently 16 years old. And I'm studying now at Sanskriti School, Chanakyapuri, where I'm schooling as a humanities student. मैं एक बहुत ही लंबे समय से 5-6 सालों से काम कर रही हूँ सोशल सेक्टर में. इनफैक्ट जब बचपन में व्हेन पीपल यूज टू आस्क मी कि क्या करने हैं आपको बड़े होके गुनू, तो माय इंस्टेंट रिस्पॉन्स और माय इंस्टिंक्टिव आंसर वाज कि मुझे कुछ सोशल सेक्टर में कुछ काम करना है. दिस इज़ वेयर माय इंटरेस्ट लाइज एंड इनफैक्ट मैंने ये किया भी. Indeed, मैंने इसको एक सक्सेस बनाया, विच इज व्हाई आई एम ओवर हियर एंड शेयरिंग माय स्टोरी विद ऑल ऑफ यू. आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, यूथ एक्टिविज्म के बारे में, जिसके बारे में आई विल बी टॉकिंग फर्दर ऑफ कोर्स. पहले आई जस्ट टॉक अबाउट माय सेल्फ, मैंने क्या क्या काम किया है, विच विल गिव एन अमेजिंग बैकग्राउंड फॉर द टॉपिक दैट विल बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो इन डिटेल. सो एज 12 year old, मैंने अपना पहला वर्कशॉप कंडक्ट किया था विच वॉज अबाउट फेमिनिज्म. इसमें वी टॉक्ड अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड उसके बाद ऐसे इन्यूमरेबल चीज़ें करते करते पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट NGOs, काफ़ी प्लानिंग करने के बाद, ग्राउंड पे काम करने के बाद मैंने काम किया एक टीम के अंदर विच वॉज बुलंद उड़ान. जिसके बाद आफ्टर वर्किंग देयर फॉर 3 whole years आई गॉट अ चांस टू मेक माई ओन टीम टू फाइंड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड एहसास, जो फ्रेंचाइजी है उड़ान टीम की, जिसमें हमारी टीम काम करती है मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर. आर वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इज मेंस्ट्रुअल एम्पावरमेंट, जिसमें वी वॉन्ट टू एम्पावर मेंस्ट्रुएटर्स. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एम ये भी है हमारे एहसास टीम का कि हम मेंस्ट्रुएशन को एक बहुत ही इंक्लूसिव टर्म बनाना चाहते हैं, विच मीन्स नॉट ऑल वुमेन मेंस्ट्रुएट, नॉट ऑल मेंस्ट्रुएटर्स आर वुमेन. जिसके बारे में इफ यू वांट टू नो मोर प्लीज रीच आउट एंड आई वुड लव टू शेयर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू. इसके एहसास टीम के बाद आई लॉन्चिंग माई ऑफ कोर्स माई ओन प्रोजेक्ट्स एहसास कैन अंडर स्टार्टेड आवर ओन इंटर्नशिप्स. हमने काफ़ी काम किया ऑनलाइन, हमने बहुत काम किया बिकॉज पैंडमिक के ड्यूरिंग ही हमने इस चीज़ का लॉन्च किया था. इनॉग्रेशन इसका कुछ 8-9 महीने हुआ था, पहले हुआ था, विच इज़ वेरी वर्क्ड वेरी डिलिजेंटली. हमने बहुत काम किया एंड वी मेड एहसास अ टीम जो अब जानी जाती है इन वन ऑफ द एज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर मेंस्ट्रुअल हाइजीन. आगे जाके आई बी लॉन्चिंग माई ओन प्रोजेक्ट विच विल ऑफकोर्स बी अबाउट फेमिनिज्म, विच विल बी अबाउट इक्वालिटी, अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर अगेन. आज जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कुछ विल बी यूथ एक्टिविज्म. इसका मतलब होता है यूथ, मतलब आप समझे टीनएजर्स, पीपल हु आर क्लोज टू दैट एज, हाई स्कूलर्स हो गए, मिडिल स्कूलर्स भी इसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे एंड ऑफकोर्स सर्टेन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एज वेल. जिसमें जिस एज में हम पढ़ाई कर रहे होते हैं उस एज में एक्टिविज्म फॉलो करना को यूथ एक्टिविज्म कहते हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ यूथ एक्टिविस्ट. इनफैक्ट जब मैं बच्ची थी तो कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी यंग एज टू स्टार्ट वर्किंग इन दिस फील्ड, या बहुत छोटे हैं. आई वाज क्वेश्चनिंग अ लॉट अबाउट दिस. इनफैक्ट क्यों आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर, वॉट इज़ द रीज़न, what is the motivation behind this, and it is of no use, focus on your studies, ye to bade log ka kaam hai, it's not for you, which is a common question, common opinion held by people towards my work and towards me. But kabhi maine isko apne aap ne success ko hinder karne nahi diya. My participation in social activism kabhi bhi hampered nahi hua because of these comments of these opinions ki bachche nahi kar pate hain,
वेरी लवली थिंग इज कि अभी यूथ एक्टिविज्म एक बहुत इम्पोर्टेंट फील्ड बन गए हैं एंड अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन आर टुडे इन्वॉल्विंग देमसेल्व्स विद दीज एक्टिविटीज पुटिंग इन देयर 100% एफर्ट मेकिंग इट अ सक्सेस इन व्हाटएवर सर्कमस्टेंस दे आर इन. कुछ छोटा करना कुछ बड़ा करना इज इक्वल फॉर मी एंड उसकी वजह से ही इस डिटर्मिनेशन की वजह से जो मैंने आज किया है वो मैं कर पा रही हूँ. उस रियली वो आप लोग भी कर पाए. नेवर लेट योर एज डिटर्मिन आप क्या करना चाहते हैं. नेवर लेट योर एज डिटर्मिन दैट बिकॉज अगर आपकी एज बीच में आएगी देन यू ऑलवेज स्टॉप यू ऑलवेज पॉज योर वर्क एंड यू ऑलवेज डाउट योर सेल्फ. मैंने जब अपना पहला काम किया था 12 साल में सो इफ आई वुड हैव लेट माय एज हैम्पर माय प्रोग्रेस देन तो मैं आज जो मैं कर पाई हूँ मैं कभी नहीं कर पाती. जो मेरा सपना था सोशल एंटरप्रेन्योर बनने का आफ्टर ऑफकोर्स एक टाइम के बाद वो मैंने अभी पूरा कर लिया. इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी पर्सनल अचीवमेंट फॉर मी एंड आप लोग भी ये कर सकते हैं. सो ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ. नेवर लेट फैक्टर सच एज एज कम इन योर वे बिकॉज अगर मैं कर सकती हूँ तो आप डेफिनेटली इसको आप भी कर सकते हैं. सोशल एक्टिविज्म बहुत इम्पोर्टेंट है. लोकल लेवल पे आपको करना है अवेयरनेस. डू दैट अंडरस्टैंड हैव अ वेरी गुड रीजन टू वर्क इन दिस फील्ड टू वर्क ऑन अ टॉपिक. आज सोसाइटी की बहुत ज़रूरत है आप बच्चों की ऑफ पीपल हु आर ऑफ माई एज यंगर देन मी स्लाइटली ओल्डर देन मी आप सबकी बहुत ज़रूरत है बिकॉज यू विल बी द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर फॉर अस. आप टुमारो हैं एंड यू कैन ऑल्सो चेंज द प्रेजेंट टू हैव द पोटेंशियल टू चेंज द फ्यूचर एंड द प्रेजेंट बोथ. हेंस प्लीज यूज योर वॉइस यूज योर पोजिशन जैसे भी आप कर सकते हैं. ट्राई टू परस्यू दिस फील्ड इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस एंड लुक एट द सोसाइटी इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. अपने आइडियोलॉजीज को चेंज करिए. बी मेक इट मोर ओपन एंड प्रूव टू द वर्ल्ड दैट एज विल नेवर स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू वांट टू डू. बी इट सोशल एक्टिविज्म बी इट एनीथिंग ऑफ कोर्स एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू एंड शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी कैन वर्क इन दिस फील्ड. सबके लिए ओपन है. प्लीज आइए प्लीज जोड़िए हमारे साथ. If you want more content like this, you want more stories like this, please follow Tales by Saksham. So again, I'm Guru Suri and I'm very, very happy to be here, happy to be talking to all of you. And yes, please never let age hamper you again. Thank you so much.